कुछ ज़्यादा मुझे बजाने की ज़रूरत नहीं, बहुत अभी कुछ बजा चुका हूँ और मैं बड़ा मशहूर हूँ प्रोफेसर अमर सिंह जी का कि इन्होंने बड़े प्यार से मुझे दावत दी और हुक्म किया कि मैं हाज़िर हूँ, तो इनका बड़ी मेहरबानी। और ये जो काम करना है यहाँ पे बर्मिंघम में, इसका बड़ा इसका कोई जवाब नहीं है और हमें बड़ी ज़रूरत है ऐसे लोगों की कि जो म्यूज़िक को और संगीत को प्रमोट करें और बच्चों में सिखाएं और इसका इसकी तालीम दें, तो इनके लिए बहुत सी तालियां। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि आपको मैं कुछ तबला सुना सकूं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं जो भी कुछ बजाने की कोशिश करूँगा वो मेरे बुज़ुर्गों की, मेरे उस्तादों की है, उस्ताद मियां शौकत हुसैन खान साहब, उस्ताद फैयाज़ खान साहब और उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन तीनों बुज़ुर्गों का मिला के मैं कुछ आपकी खिदमत में पेश करूँ। ज़्यादा देर नहीं बजाऊँगा, 10-15 मिनट ही बजाऊँगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। लेकिन कोई गलती हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप डांट भी दें। इजाज़त है जी, सब की इजाज़त है। सुबीर साहब इजाज़त है जी, भाभी जी इजाज़त है, मैं दोनों को पूछ रहा इजाज़त है, कोई गलती हो जाए तुम डट ही सुनने आ रहे हो ना।
12 में बजा रहा हूँ तबले का अलाप जिसको कहते हैं, जैसे गाने में अलाप है तबले में भी अलाप है। तो ये पेशकारा है उस्ताद नथु खान साहब का दिल्ली वाले, और बुजुर्गों की चीज़ है और बुजुर्गों की चीज़ ही बजानी चाहिए, अपनी भी चीज़ बंदा कर ही लेना है, बुजुर्गों की चीज़ करनी है उसे बरकत भी है उसे सब कुछ मिल जाता है। तो ये उस्ताद नथु खान साहब का पेशकारा है, मुंह से पढ़ के सुनाता हूँ। कायदा मैं सुना रहा हूँ, मैं छोटा बजा रहा हूँ। उस्ताद अहमद जान थिरकवा, उनका ये बड़ा मशहूर कायदा है, बहुत मुश्किल लेकिन मालिक करे के बच जाए।
कायदा उस्ताद जी का दाते गे ना दाते धागे टेटे गे धागे ना दाते टेगे ना तीना दाते गे ना दाते गे ना दाते गे ना धागे ना दाते टेगे ना तीना दाते गे ना दाते टेटे गे धागे ना दाते टेगे ना तीना गे ना दाते गे ना दाते गे ना दाते गे ना धागे ना दाते टेगे ना तीना गे ना इसमें बायां का दरा Dil 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 d
सबसे पहले खत्म हुआ, एक सम पे खत्म होता है, फिर एक सम के बाद खत्म होता है। अब सम पे खत्म हो गया, सब पे खत्म हुआ। अब सम के बाद पंजाब घराने में जिस तरह से गतों का और परनों का काम पंजाब में जिस तरह से हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और बड़ी खूबसूरती से बुजुर्गों ने गतों को, परनों को बनाया। मैं कुछ गतें आपके सामने पेश कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। तो ये हैं उस्ताद मियां फतेहद्दीन, ये कसूर में थे, लाहौर के पास जगह है कसूर, वहां के थे ये। तो ये उनकी गाथा है। ये गीत अंगी है, सात सात सोलह में सात। मेरे पड़दादा उस्ताद मियां फकीर बख्श, उनकी गत है। जागृत दिन दिन दान दा किटा तक दिन में गिना, जागृत दिन दिन दान दा तरा ना किटा तक तरा ना किटा तक, जागृत दिन दिन दान दा किटा दा तरा के दिन तक तक दिन के दान किटा दान किटा दा तरा के दिन तक तक दिन के दान किटा दान किटा दा तरा के दिन तक तक दिन के दान किटा दान किटा दा जागृत दिन दिन दान दा किटा तक दिन में गिना, जागृत दिन दिन दान दा तरा ना किटा तक तरा ना किटा तक